कश्मीर फाइल्स पिक्चर दोनों चर्चाओं में है। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के पीवीएस मॉल में, जहां पर कुछ दर्शक हमारे साथ हैं, युवा दर्शक हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का रिएक्शन उनका है और उन्हें पिक्चर देखने के बाद क्या उसने महसूस किया। क्या नाम है आपका? दीप त्यागी। दीप, क्या देखा आपने पिक्चर में? सर, इस मूवी में पूरा जो जेनोसाइड कराया गया कश्मीर के, जो कश्मीरी पंडितों पर जेनोसाइड करा गया, वो दिखलाया है, पूरी रियलिटी दिखाई गई है। और स्पेशल थैंक्स टू विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ऐसी मूवी बनाई है। और सबको थिएटर में जाकर देखनी चाहिए, ना कि किसी और प्लेटफॉर्म से। वैसे देखें, थिएटर में जाओ और सपोर्ट करो, क्योंकि इस फिल्म को बहुत कम स्क्रीन मिले हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है, बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है। सबको देखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ है। सिर्फ ये पता है कि निकाल दिया तो क्या हो गया। मूवी रिलीज हुई है, क्या लगता है इसमें कुछ ऐसे कंटेंट भी हैं जो प्रतिबंधित होने चाहिए थे, इसको लेकर विरोध हो रहा है? नहीं, कोई भी विरोध क्यों है ना। और मेरा तो ये मानना है कि जो इन्होंने नेम चेंज कराए हैं, JNU का ENU करवा दिया गया है, और बहुत सारे जो है सेंसर बोर्ड चला दिया, वो भी रियल होने चाहिए थे। क्योंकि जो इनकी असलियत दिखनी चाहिए, गवर्नमेंट ने अगर उन्हें सपोर्ट किया है तो वो दिखाना चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शोभित दादा। शोभित भैया, आपने मूवी देखी, क्या महसूस किया? ये मतलब कश्मीर की सच्चाई है, कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हुआ उसके बारे में सच्चाई दिखाई गई है। और हम विवेक अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इसे जो हम इससे मतलब सच्चाई का नहीं पता था, जो उन्होंने हमें दिखाया। आज से पहले पिक्चर को देखने से पहले क्या समझते थे कश्मीर में क्या घटना हुई है, और क्या पिक्चर देखने के बाद आपको क्या लगा है? नहीं, पिक्चर देखने के बाद ही हमें वहाँ का पता चला है कि वहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, और कुछ और इमेज थी हमारी नज़रों में। अब पिक्चर देखने के बाद एक दर्शक और है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नितिका था। अधाना जी, क्या देखा आपने पिक्चर में? क्या लगता है कि जो कश्मीर की घटना जो बताई गई है कितनी सही है? क्या वास्तव में पिक्चर फिर बननी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल बननी चाहिए। और ये सच्ची बात है, ऐसी घटनाओं को दिखाना चाहिए हमें, तभी हमें कुछ आगे। हम इससे पहले हमें क्या पता था क्या हो रहा है वहाँ पे, इतना दुर्व्यवहार हुआ है पंडितों के साथ, ऐसी मूवी बननी चाहिए। अच्छा, जैसे कि 1990 में पलायन की घटना पर आधारित मूवी है ये, आज तक कभी इस टॉपिक को पिक्चरों में नहीं उठाया गया, तो क्या मानते हैं, क्या बिल्कुल सही है ये? बिल्कुल सही है, गलत क्या था, अब उठाना चाहिए, बनानी चाहिए। एक दर्शक और है हमारे साथ, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? नाम देवी कुमार है। और जो ये मूवी बनाई गई है, सिर्फ पंडितों को नहीं निकाला गया वहाँ से, हर एक हिंदू को निकाला गया है। सिर्फ पंडितों का नाम लिया जाता था पहले कि कश्मीरी पंडित आए हैं, कश्मीरी पंडित आए हैं। सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं आए, पूरे हिंदू आए हैं। ठीक है, यहाँ किसी का किसी भी जो भी डायरेक्टर ने जो मूवी बनाई है, ये दिखाया गया है कि कोई वो नहीं था इसमें कि कोई स्पेशल निकाला गया है, सब निकाले गए हैं वहाँ। हिंदू भी, जो हिंदू था वो सारा निकाला गया, और किस तरीके से अत्याचार है ये दिखाया गया है। जिस तरह से इस पिक्चर का विरोध भी हो रहा है, और महाराष्ट्र में इसको टैक्स फ्री करने की भी बात हो रही है, क्या मानते हैं, कितना सही है? बिल्कुल सही है, टैक्स फ्री होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड पूरे भारत में टैक्स फ्री होना चाहिए इसमें, क्योंकि सच्चाई दिखाई गई है। कोई मूवी नहीं है इसमें, कोई ऐसे कोई वर्गल सीन नहीं है, सारी अच्छे सीन है, अच्छी चीज़ें, फैमिली मूवी है, सब लोग देख सकते हैं। और बहुत समय बाद, मैं खुद मूवी नहीं देखता हूँ, मैं बहुत समय बाद थिएटर में आके मूवी देखी है, तो सच्चाई देखिए, बहुत फैमिली के साथ मूवी देख सकते हैं, ये सच्ची घटना है। तो ये थे कुछ दर्शक जिन्होंने कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखी और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखना होगा कि इन दर्शकों की इस प्रतिक्रिया को लेकर क्या सरकार इस पिक्चर को पूरे देश में या जिन राज्यों में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है उसको पूरा करती है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ प्रेम शंकर जनवाणी, न्यूज़ मेरठ। Thank you.